तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इवल रॉक्स गेमिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप कंप्लीट फ्री फायर 3D एनिमेशन वीडियो बना सकते हो अभी ब्लेंडर में। तो चलिए आज के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए जो लोग कंप्लीट फ्री फायर 3D एनिमेशन वीडियो सीखना चाहते हैं बनाना, और उनके लिए भी है जो लोग फ्री फायर के अलावा कोई और एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं। प्रोसेस गाइस सब एनिमेशन का सेम होता है, बस करेक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप किसी भी फ्री फायर या फिर कोई और एनिमेशन वीडियो को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो को कम्प्लीट देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप फ्री फायर 3D एनिमेशन वीडियो को बना सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप 3D एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे, जैसे माया हो गया, 3DS Max हो गया, ब्लेंडर हो गया, अनरियल इंजन हो गया। तो इस तरह के आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे 3D एनिमेशन के। तो यहाँ पे आपको इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो अच्छी बात है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लेंडर के बारे में बात करूँगा। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर आपको फ्री में देखने को मिलेगा गूगल में। तो यहाँ पे आप गूगल में सिंपली सर्च कर ले ब्लेंडर, और ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वाला सॉफ्टवेयर हर किसी को चलाना नहीं आता है। कुछ भाई लोग इस सॉफ्टवेयर में नए हैं, तो वो भाई साहब क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, करेक्टर भी बनाना नहीं आता, कुछ भी करना नहीं आता। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले करना है करेक्टर क्रिएट। तो इसमें आपको करेक्टर क्रिएट करना नहीं आता है तो आप क्या करें, यहाँ पे स्केच फैब है, ये एक वेबसाइट है। इसमें आपको काफ़ी सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, करेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको फ्री फायर के करेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे और मॉडल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और यहाँ से आप किसी भी करेक्टर को डाउनलोड कर सकते हो इजीली। OBG फाइल आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है अपने करेक्टर को ब्लेंडर में। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दो चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। आप लोग सबसे पहला काम ये करना है, जो भाई लोग नए हैं वो ये वाली वीडियो हमारी देख ले, हाउ टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एनी फाइल इन ब्लेंडर। तो गाइज, जब भी आप अपने करेक्टर को इम्पोर्ट कर लोगे ब्लेंडर में, उसके बाद आपने अपने करेक्टर में टेक्स्ट एंड मटीरियल को ऐड करना है। तो वो आप कैसे ऐड करोगे, तो यहाँ पे शेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे आप शेडिंग में चले जाएं, उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर चेक कर ले, फ्री फायर 3D करेक्टर मॉडल इन ब्लेंडर टेक्स्ट एंड मटेरियल्स। तो ये वाली वीडियो आप देखकर टेक्स्ट एंड मटेरियल को ऐड करना सीख जाओगे। तो जब आपने अपने करेक्टर को इंपोर्ट और टेक्सचर को ऐड कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने करेक्टर को एनिमेट करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपका करेक्टर वॉक कैसे कर सकता है, फाइट कैसे कर सकता है, उसमें मूवमेंट्स हम कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, इन सारी वीडियोस को देखना जरूरी है, कंपलसरी है, आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छे से सीख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली वीडियो है, हाउ टू मेक फ्री फायर 3D करेक्टर वॉक एनिमेशन। तो दूसरी है, हाउ टू फाइट बिटवीन टू फ्री फायर करेक्टर्स इन ब्लेंडर। और तीसरी है, हाउ टू डू मल्टीपल एनिमेशन मूवमेंट्स इन वन करेक्टर। और ये वाली दो वीडियो भी है, इससे आप कस्टम एनिमेट कर सकते हो, खुद आप कोई भी मूवमेंट्स को डाल सकते हो। एक है, हाउ टू मेक कस्टम एनिमेशन इन ब्लेंडर। दूसरा है, हाउ टू एनिमेट एनी करेक्टर इन ब्लेंडर। तो इन सारी वीडियोस को जब आप देख लोगे तो आपको एनिमेट करना आ जाएगा अपने करेक्टर को, कि कैसे हमने एनिमेट करना है। तो जब आप एनिमेट कर लोगे अपने करेक्टर को, उसके बाद बारी आती है कैमरा की, कि कैमरा आप कैसे ऐड कर सकते हो, मल्टीपल कैमरा आप कैसे ऐड कर सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप कैसे आप कैमरा को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ए प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैमरा वाला ऑप्शन है, तो इसमें आप क्लिक करके एक कैमरा को क्रिएट कर सकते हो।
बाकी कैमरा पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जाकर चेक कर लें, हाउ टू यूज़ कैमरा इन ब्लेंडर, ऐड मल्टीपल कैमरा इन ब्लेंडर, तो इस वीडियो को आप लोग जाकर चेक कर लें। तो इस वीडियो को देखकर आप एक कैमरा ऐड कर सकते हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो जब आप कैमरा को ऐड कर लोगे, उसके बाद लास्ट में बारी आती है लाइटनिंग एंड रेंडरिंग की, तो वो आप कैसे कर सकते हो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो है हमारी, डू रेंडरिंग एंड लाइटनिंग इन ब्लेंडर। तो ये वाली वीडियो देखकर आप लाइटनिंग और रेंडरिंग करना सीख जाओगे। और अगर आपका पीसी लो एंड पीसी है, आपको नहीं पता कि रेंडर की सेटिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो है, लो एंड पीसी बेस्ट रेंडर सेटिंग इन ब्लेंडर। तो ये वाली वीडियो को आप लोग देख ले, आपको रेंडर की सेटिंग करना आ जाएगा। तो गाइज़, अगर आप लोग नए हो ब्लेंडर में, आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आप लोग जैसा मैंने आप लोगों के स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो आप लोगों को बताया है देखने को, वो वीडियो आप लोग देखें, और एक ही सिर्फ एक ही करेक्टर लीजिए और उसी के साथ आप लोग इम्पोर्ट से लेकर रेंडर तक आप लोग उसी करेक्टर के साथ प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा हैवी फाइल मत क्रिएट कीजिए स्टार्टिंग में अगर आप लोग नए हो तो। अगर आपको आता है फिर तो चलो ठीक है, आप लोग कर सकते हो, बट अगर आप लोग नए हो तो इम्पोर्ट से लेकर रेंडर तक आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करें, दो तीन बार करें, उसके बाद आप लोग अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें डिटेलिंग में आपको काफ़ी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे ब्लड को कैसे हम क्रिएट करेंगे, गन को कैसे हम अटैच करेंगे अपने करेक्टर के हाथ में, और फ्लोर रिफ्लेक्शन हम कैसे डाल सकते हैं, रेन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमने रेन को क्रिएट करना है तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, इन सारी चीज़ों की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सब में मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, बर्न कैसे कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर लेंगे तो आपको सारे तरह की वीडियो मिल जाएंगी एनिमेशन के रिलेटेड। बाकी अगर आपको एनिमेशन के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक को हम ले आएंगे। बाकी जो भी भाई लोग हमें सुपर थैंक्स भेजेगा उस टॉपिक पे हम सबसे पहले वीडियो लेकर आएंगे। तो गाइस, जितनी भी वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है देखने के लिए, उन सारी वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो गाइज़, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।